चपैर वालों को 6 बजे भेज दिया। उसके बाद मैंने नेहा तुजल के लिए कुछ अलग से बनाया ब्रेकफास्ट के लिए, लंच तो सबके लिए एक सा बना था पर ब्रेकफास्ट में उनके लिए कुछ अलग बनाया मैंने, और वो लोग अभी सो रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेट उठते हैं और मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। मैं उनके इंतज़ार में बैठ के उनका उठेंगे वो। और पता क्या होता है, जब वो नेहा आती है ना बच्चे को लेके, तब मैं खेत भी नहीं जा सकती क्योंकि पता नहीं कब उठ जाए, बस इसी में ही चला जाता है मेरा समय। ऐसा ना हो कि उन वो उठे और मैं घर पे ना मिलूँ, मैं नहीं चाहती क्योंकि हफ्ते 10 दिन के लिए आती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते, मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है, किसी के पास नहीं होता है। बाकी खेती बाड़ी का काम तो यार चला रहता है पूरी लाइफ, ये तो मुकने का नाम ही नहीं लेता। मैंने देखा ये बढ़ता ही जा रहा है। सोचती थी मैं ना पहले कि मैं सोचा चलो कि टाइम ऐसा आएगा कि मैं नहीं करूँगी खेती बाड़ी का काम, नहीं मुकेगा ये पूरी लाइफ चलेगा, क्योंकि घर पर मेहमान बोलो चाहे मेहमान तो नहीं है, वो है तो घर के ही है, बट फिर भी अच्छा लगता है मुझे। अभी तुझल उठेगा तो कितने नखरे करेगा, उसको मैं शरारती बच्चा भी नहीं बोल सकती, या शरारती भी नहीं, बहुत सिंसियर भी है और उम्र है उसकी बेचारे की, कुछ तो करेगा ना, बट सुनता है, बोल के सुनता है, मेरे साथ स्कूल आता है, कभी कभी नहीं भी सुनते हैं बच्चे तो कोई बात नहीं, अभी छोटा भी है, अभी 3 साल का ही हुआ, पर उसकी जो हरकतें वो अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ अपना जितना अभी मेरे पास समय है तो मैं उनके साथ बिताऊँ, और इसीलिए मैं उसको साथ लेके जाती हूँ स्कूल, क्योंकि नेहा को तो तंग करता है वो भी माँ के पास, पता है क्या उसका पीच आजकल एक सीखा है, पीच मामा फोन दे दो ना, पीच ऐसा करता है, पीच मामा दे दो ना, बातें भी करने लग गया है, काफ़ी सारी बातें करता है, बट उसने ना थोड़ा सा लेट बोलना स्टार्ट किया है मेरे हिसाब से, क्योंकि नेहा ने बहुत जल्दी बोल दिया था और बहुत स्पष्ट बोला था, इसलिए लगता है मुझे। बाकी आजकल के बच्चे सभी ऐसे हैं, बहुत कम बच्चे हैं जो शायद जल्दी बोलते होंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है, कंपैरिजन किसी भी बच्चे का नहीं हो सकता, सब अलग अलग होते हैं, सब में अलग अलग क्वालिटी होती है हर इंसान में। तो चलिए अब इंतज़ार करती हूँ थोड़ा सा, देखती हूँ कुछ और इधर झाड़ू झूड़ू मारती हूँ। 7 बजे उठती है भाई, अभी उठ गया, बोलो नमस्ते जी करो, सबको नमस्ते जी करो, जल्दी कर तीजल, कल से मैं और तीजल पैदल पैदल जा रहे हैं स्कूल। यहाँ पे देखिए, पिछले कल हम नीचे को निकले थे बस के लिए, आज हम बूटी मोड़ निकल रहे हैं बस के लिए, आज तो मुझे लगता बस पकड़ी जाएगी आज तो हम, क्योंकि नीचे वाली बस थोड़ी लेट आती है ना और बड़ी जल्दी आ जाती है, तो तीजल बेचारा कहाँ चल पाएगा। ना ना चलो, अब क्या हुआ, क्या है यार, चलो 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 चलो, हंस रहा है, इसकी क्या हुआ, घर पे ना ये फोन पे हंस रहता है, मतलब इतना नहीं फिर भी, अब इसकी माँ के पास इतना टाइम नहीं है कि इसको खिलाती रहेगी, और मुझे भी जाना पड़ता है ड्यूटी, तो इसलिए मैं इसको साथ लेके जाती हूँ, इसका मतलब थोड़ा मोबाइल से भी मन हटे, और रास्ते में देखो अब क्या करा, इधर चल ना, बच्चा है ये तो चलेगा, इसको थोड़ी पता है टाइम से पहुँचना पड़ता है, जल्दी चल, टाइम से जानी पड़ती है, चलो चलो चलो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अपने काम में व्यस्त है, कभी झाड़ू मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ, बट ऐसी शरारतें नहीं करता, मतलब ऐसे तो कुछ ना कुछ करेगा ये बच्चा है, झाड़ू उठा दिया है, अभी बिस्किट खा रहा है, तो फिर आइज बंद करो, उपल जानी
और यहाँ पे छुट्टी टाइम के बाद हम मम्मी के घर जा रहे हैं, क्योंकि माता जी चिबैस से आएंगे तब हम उनके साथ वापस जाएंगे। अभी जाके ही खाना खा के सो जाता है, फिर हम आराम से शाम को जब वो चिबैस से आते हैं तब वापस जाते हैं। तो इस तरह से चल रहे हैं हमारी आजकल के रूटीन। अब ये नलके के पास आ गया, पानी पीने का स्टाइल देखना आप, अब कैसे पी रहे हैं ये देखिए। ऐसी ऐसी हरकतें तो करेगा ही ना, यहाँ से पानी बिल्कुल नहीं पी रहा है। और इस तरह से फंसा रहेगा, बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ेगा अभी मुझे। एक तो धूप भी इतनी तेज है। हाथ से पियो बेटा, तेंगे कुछ हुआ, तेंगे तेंगे डीजल पीछे तेंगे 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 तेंगे। और आज फर्स्ट टाइम ये पीछे अकेले बैठा है सीट पे, और मेरे को डर लग रहा था कहीं ये नीचे ना गिर जाए क्योंकि रोड बहुत ज्यादा खराब है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से बैठा था। सुबह उठने के बाद पहला इसका एक्शन, पहला एक्शन इसका, और कर इसको तेंगे तेंगे। क्या कर रहा था? कर रहा तेंगे तेंगे। और ये वाला जो एक्शन ये पिछले कल से कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था इसने कहां से सीखा। मैं सोचा जब इसको कुटिया दे दी तो अरिका वेदिका ने इसको ये चीज सिखाई थी, और ये हर जगह यही चीज कर रहा था, जिसके पास भी जा रहा था ये इस तरह का डांस कर रहा था, तेंगे तेंगे टांगे हिला हिला के इसने अति कर रखी थी। उसके बाद क्या, नहीं नहीं वही से बोलो, क्या ये चली अच्छा ये खानी है, हाँ क्या ये, हाँ चली वहां बैठ के खाओ, वहां पे बैठ के खाओ परे। जल चली खा रहा है, क्या खा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने प्लम रखे थे टोकरी में, सुबह उठ के इसका रोज का काम था, ये चार पांच उठा के ये खा लेता था सुबह उठते ही, और इसको ये चेरी बोलता था क्योंकि साइज ना छोटा था। इसको रहने दो, इसी में रहने दो इसको। अभी मैं फटाफट से काम कर देती हूँ ना, क्योंकि वो वहाँ पे बैठा है, वहाँ पे देखिए इसको अपने हिसाब से रखना पड़ता है, नहीं तो ये मोबाइल में फंसा रहता है। आज मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ा है, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगी, तब तक मैं अपने काम निपटा देती हूँ। इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसको रहने देती हूँ अपने हिसाब से, तब तक मेरे कपड़े धोने को धो देती हूँ। दूध बॉयल करने को रख लिया है, सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है आजकल ड्यूटी यार, क्योंकि जब तक ये उठता हो तब तक सारे काम इधर सीजन में चल रहा है, इधर फिर इसके पूरे वो करने पड़ते हैं सारे अरमान, इसके क्या बोले यार रिक्वायरमेंट इसकी जो भी होती है 3 साल के बच्चे की, जिसके पास 3 साल का बच्चा है उनको पता होगा इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो मैं निपटा देती हूँ फटाफट से, अभी ये बिजी है, अभी ये प्लम खा रहा है, और ये प्लम को भी चेरी बोलता है, चेरी खा रहा हूँ। चलिए फिर निपटा देते। मामा तो कब की भागी है, और मेरे थोड़े से 2-3 कपड़े रह गए थे और पहुँच गया ये, तब तक मेरे धुल चुके थे, बट अब एंड में ये पहुँच ही गया है, फिर मानता ही नहीं है। चल धो ले फटाफट, इसकी बारी है, बोला अब किसकी बारी है, है किसकी बारी, हाँ मेरी बारी, चलो धो फिर फटाफट से, चलो 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 फटाफट धो, हाँ चलो, हाँ कैसे धोते हैं, हाँ चलो ऊपर टांग दो, ऊपर टांग दो, साफ पानी है, ऊपर टांगो जा, मैंने वो सलवार टांगी ऊपर देख, एनो बे एनो बे एन कर बे एनो बे, बस हो गया ये, चलो